जगत का सत्य कबीर वर्णन कर रहे हैं। भौरे और बगुला का उदाहरण दे रहे हैं मनुष्य को समझाने के लिए। बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। साहेब कहते हैं कि भौरे उड़ गए और जहां भौरे बैठे थे वहां बगुले आकर बैठ गए। सांकेतिक संदेश दिया जा रहा है। भौरा काले रंग का होता है, बगुला सफेद रंग का होता है, अर्थात काले बाल उड़ गए और काले बालों की जगह पर बगुले जैसे सफेद रंग के बाल आकर के उग गए, बैठ गए। भौरे यानी काले बाल, बगुला यानी सफेद बाल। तो काले बाल चले गए, सफेद बाल आ गए, इससे भी क्या लेना देना है? लेना देना है अर्थात बचपन चला गया, जवानी चली गई और वृद्धावस्था आ गई है, बुढ़ापा आ गया है। सफेद बाल, वृद्धावस्था की सूचना देते हैं। किसी की बीमारी से सफेद बाल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन है कोई ना कोई शरीर में कमी, इसलिए सफेद। हाँ, उम्र पर सफेद होने लग जाए, 55-60 के बीच में, तो समझ लेना वृद्धावस्था का संकेत मिल चुका है। जवानी उतार पर आ गई है, बुढ़ापा प्रारंभ हो रहा है। बालों के पकने का अर्थ है अब तुम्हारे शरीर की पकी हुई अवस्था आ गई है। तो इससे क्या मतलब होता है? बहुत बड़ा मतलब होता है। शरीर एक साधन है। जब शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, स्वार्थ और परमार्थ दोनों में तुम असमर्थ हो जाते हो, और शरीर बलिष्ठ हो, हष्टपुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो, फिट हो, स्वार्थ के कार्य भी तुम अच्छी तरह से सफल करते हो, परमार्थ के कार्य भी तुम बहुत व्यस्त तरीके से करते हो। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने की फिक्र कीजिए। कैसे स्वस्थ रहेगा? शाम को खट्टी चीजें मत खाइए, शाम को फल भी मत खाइए, शाम को सलाद मत खाइए, 40 साल की उम्र के बाद शाम को चावल भी मत खाइए, और यदि हो सके तो 50 साल की उम्र के बाद शाम को कुछ भी मत खाइए। काम खत्म। लेकिन जिनको बहुत भूख लगती है, रोटी दाल सब्जी दूध दूध से बनी हुई चीजें खा सकते हैं। जिनको खांसी आती है, दूध से बनी चीजें मत खाएं, मीठा मत खाएं, खट्टा मत खाएं। और जिनका शरीर बराबर कमजोर रहता है, हमेशा लचपच, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको पहली बात तो जोर से हंसना चाहिए, गहरी नींद सोना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए और पैदल तेज चाल में चलना चाहिए 5 किलोमीटर। धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कीजिए, एकदम स्ट्रांग हो जाओ। बस। तो शरीर के प्रति कबीर संकेत कर रहे हैं। काया हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी,
शरीर पुराना हो गया। और शरीर की मुख्य तीन अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था अज्ञान अवस्था है, खेल कूद में मनोरंजन में बीतती है। हालांकि बाल्यावस्था विद्या अध्ययन की अवस्था है, बाल्यावस्था संस्कार प्राप्त करने की अवस्था, बाल्यावस्था सीखने की अवस्था है। और जो भी सीखा है, जो भी संस्कार पाया है, युवावस्था उस शिक्षा और संस्कार को प्रयोग करने की अवस्था है, युवावस्था। इसलिए बचपन व्यर्थ मत जाने दो। ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में दीक्षा लिया था नारद जी से, और 5 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर भक्ति किया था। मीराबाई ने भी बाल अवस्था से ही भक्ति शुरू कर दिया था। शिवरी ने बाल्यावस्था से भक्ति प्रारंभ किया था। प्रहलाद जी ने शुरू से ही भक्ति प्रारंभ कर दिया था। कितने लोग 80 साल के हो गए कहते हैं भक्ति के बारे में विचार करेंगे, विचार अभी विचार 80 साल विचार नहीं किया है। चली आ रही है मौत धीरे धीरे, विचार करोगे? एक आदमी के नाक में मच्छर घुस गया, मित्र से कहा कि मेरी नाक में मच्छर घुस गया है, बोले तो छिनक दो निकल जाएगा, बोले विचार कर रहा हूं। ये कोई विचार करने की बात है? तो फटाफट, जब से चेते तब से सही, कहीं कबीर जात है बही। जीवन की नाव चलती चली जा रही है, जल्दी चेतो, जागो, भक्ति में लग जाओ। भक्ति से ही गुरु मिलते हैं, और गुरु से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से संयम नियम मिलता है, और संयम नियम से शांति और प्रसन्नता मिलती है। संसार में ऐसे सुख शांति कहीं मिलने वाली नहीं है। घर ही में मूसल चोर, कबीर साहब कहते हैं घर ही में चोर घुसा हुआ है, यानी घर ही से अशांति पैदा होती है। जिस घर को तुमने बनाया था शांति के लिए ना, उसी घर में एक व्यक्ति ऐसा पैदा हो जाता है जिसको ग्रामीण भाषा में कंडोर कहते हैं, अशांति पैदा कर देगा। सबके घर में करीब करीब एक एक तो होता ही है, और जो ज्यादा किस्मत वाले उनके घर में दो दो तीन तीन भी नालायक होते हैं, और जो बहुत सौभाग्यशाली उनके घर में तो घर छोड़कर बाकी घर भर सब नालायक। बहुत कठिन मामला है। विभीषण के घर में टोटल कंडोर थे, केवल अकेला विभीषण था। जब हनुमान जी ने लंका में भ्रमण किया रात्रि कालीन के समय अंधेरे में चुपके से कहीं की भी सच्चाई को ठीक से जाना जा सकता है। अंधेरा हो, रात हो, कोई पहचान ना पाया हो, और आप घूम कर देखें तो रात में अंधेरे में सब पता चलता है क्या हो रहा है। हनुमान जी ने जब लंका का भ्रमण किया, देखिए कहीं कुछ कार्य करना हो तो सर्वप्रथम वहाँ का भ्रमण कीजिए, वहाँ का सिचुएशन एंड लोकेशन सब देखिए, रास्ते किधर हैं, किस तरह के लोग रहते हैं। आपको बिजनेस करना है, अंधाधुंध दुकान मत खोलिए। जहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए लोगों के पास में दाम नहीं है, वहाँ तुम सोना चांदी की दुकान खोलोगे, कौन खरीदेगा? इनके बीच में मत खोलिए। आप तो ऐसी जगह ढूंढिए
जिनको सब्जी की परवाह नहीं है, जिनके पास में अब सब्जी से ऊपर उठ चुके हैं, दाल भात से ऊपर उठ गए, जो सब्जी की ही टेंशन में पड़े हैं, वो सोना चांदी कहाँ खरीदेंगे। वो तो कुछ लोग तो ऐसे होशियार है जो बाजार जब ख़त्म हो जाती है तब सब्जी लेने जाते हैं, जो सड़ी गली बचती है सस्ती मंदी लेकर आ जाते हैं। जब लेडीज़ उसको काटती है तो मन में दुखी होती है कि आधी सड़ी निकल गई, बोले सस्ती है तो आधी सड़ी निकल गई तो कीमत तो फिर उतनी हो गई लगभग जाके, और काटने मेहनत ज़्यादा पड़ी, लेकिन दिमाग ही सड़ा है तो सड़ी सब्जी। थोड़ा कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, क्वालिटी का खाना होना चाहिए, कपड़े भी अच्छे पहनो, गाड़ी भी अच्छी रखो, घर के बर्तन भी अच्छे रखो, ऐसे उटपटांग नहीं, कुर्सी मेज भी अच्छी रखो, बेड भी अच्छा लगाओ, इसका भी रिस्पांस है। आज मैं कमिश्नर के कार्यक्रम में गया था, उन्होंने एक कार्यक्रम लगाया था, तो वहाँ से जब मैं चला तो उन्होंने कहा मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगा, मेरी गाड़ी में बोले, तो मेरी गाड़ी में पीछे बेड बना हुआ, एक ही सीट खाली है, तो हमने सोचा उसमें कहाँ बैठेंगे, जगह नहीं, तो मैं भी होशियार, मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगा। तो बोले मेरी गाड़ी छोटी है, तो हमने कहा छोटी में जब बड़े लोग बैठते हैं तो वो भी बड़ी मानी जाती है, चलो बैठो, दोनों साथ साथ आए, बैठ के पूरे उत्तर प्रदेश के कमिश्नर हैं, बड़ी श्रद्धा है, आए सब लोग बंदगी कर रहे थे तो बंदगी भी किया, कुर्सी से उतर कर नीचे बैठकर आरती हुई तो आरती में दान 500 रुपये डाला, फिर दान डिब्बा अलग से और डाला, तो हमने कहा दानी भी है, ज्ञानी भी है, निर्माणी भी है, नीचे बैठकर बंदगी कर रहे थे और हंस भी रहे थे। वास्तव में जो ज्ञानी होता है उसका पहला लक्षण होगा अमानित्वम, वो अमानी होगा, अमानी माने निर्माणी होगा, निर्माणी माने विनम्र होगा। अब विनम्र होने का ये अर्थ नहीं है कि विनम्र है तो का घूर बैठा दो, ये भी अर्थ गलत है, उसकी योग्यता उसका सिस्टम भी समझो कि विनम्र है इसका अर्थ ये नहीं है, उसकी योग्यता को देखो, उसके गुणों को देखो, उसको यथास्थान बिठा दो। तो उम्र मनुष्य की ऐसे बीतती है जैसे अंजलि में भरा हुआ जल धीरे धीरे टपक जाता है, अंजलि खाली हो जाती है, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। एक शायर कहता है अभिषेक यादव जी, समझना, आगाह है अपनी मौत का कोई बसर नहीं, समान 100 बरस का है लेकिन लेकिन पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं, ये 100 वर्ष का सामान सबको मिला है, वेद ऋषि ने कहा है सतायु भव 100 वर्ष जियो, लेकिन 100 वर्ष कितने लोग जीते हैं, बहुत कम लोग जीते हैं, 100 वर्ष पार करना बहुत कठिन है, कितने लोग तो बस 20 के बाद ही खीस निकाल देते हैं, 30 के बाद 30 मार हो गए खत्म, अधिक बीमारी भी आपके शरीर को अल्प समय में मृत्यु के पास पहुंचा देती है।
लेकिन याद रखना, पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है, सबको उम्र बराबर मिली है क्या? नहीं नहीं, जगतगुरु शंकराचार्य 32 वर्ष में संसार को छोड़ चले गए, इतने महान संत थे। स्वामी विवेकानंद 38-39 साल की उम्र में सब काम करके चले गए। बड़ी बड़ी महान पुरुषों की कथा है। कम जियो, ज्यादा जियो, जितना जियो उतना जियो, लेकिन जीने का ढंग अच्छा होना चाहिए। गुलाब का फूल कम समय के लिए खिलता है, फिर उसकी पंखड़ी टूटकर गिरने लग जाती है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन दो दिन के लिए खिले या तीन दिन के लिए खिले, पर देखने वाले के मन को मोहित कर लेता है। ऐसे गुलाब बनकर के जियो, जितने दिन जियो सबको सुगंध की खुशी से भर दो। माता पिता को भी, भाई बहन को भी, गांव को भी, समाज को, देश के लिए भी कुछ करो। गुरु जी को, सबको प्रसन्न कर दो। और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जो सोच रखता है वो हमेशा हंसता रहता है। जब भगवान श्री राम वनवास में गए तो उनके आंसू आ गए। बिलख कहो मुनिनाथ, दुखी हो गए। हड्डियों के ढेर देखा, राम ने पूछा ऋषि मुनियों से, ये हड्डियों के ढेर आश्रमों के पड़ोस में किसके ढेर, ये कौन, जानवर मर गए, क्या हुआ? बोले जानवर नहीं मरे, लंका की तरफ से राक्षस आते हैं, साधु संत ऋषि मुनि को खा जाते हैं। ये साधु संत ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है। भगवान को बहुत दुख हुआ कि मेरे रहते हुए इतना अपराध, इतना अन्याय। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभधरि मनो शरीरा, हरे सकल सज्जन भव पीरा। भगवान को दुख हो गया कि मैं हूं और ये पाप हो रहा है, ये राक्षस इतना तांडव मचा कर रखे। और भगवान कभी कभी स्वयं भी मनुष्य के रूप में आते हैं, और कभी कभी भगवान भगवत कार्य आपके हाथों से कराते हैं, स्वयं नहीं आते हैं, आपके हाथों से कराते हैं। जैसे इस समय योगी जी महाराज के हाथों से भगवत कार्य राम भगवान ने कराया है, जितने राक्षस से सबको निपटाया है, परम धाम पहुंचाया है, परम धाम, भगवत कार्य है। मनुष्य के रूप में दिव्य आत्माओं का जन्म होता है। धर्म की रक्षा जो करे, धर्म का प्रचार जो करे, तो समझ लेना ये भगवत कार्य करने के लिए वो स्पेशल आत्मा शैलेंद्र सिंह बनकर आई है, श्रीमती कृष्णा सिंह बनकर आई है। मंदिर में जाना भी बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं। कुछ लोग बोलते हैं, अरे तिलक लगाए हैं और तुम तिलक नहीं लगाए तो कहो छूट जाओगे पाप करने। तिलक लगाए हैं तो तुम तिलक के बजाय अपने गालम तिलक लगा लो। अरे तिलक लगाना भी हिम्मत का काम है, मंदिर में जाना भी हिम्मत का काम है। ये कहाँ लिए जा रहे हो तुम? ए बाबा, कुर्सी कहाँ लिए जा रही? अरे यहीं रख दो, तुम यहीं रख दो चुपचाप। पहले से क्यों नहीं सोचा, बीच में खटपट करते हो? जब तुम्हारे पास 10 रुपया है तो 10 रुपये गोभी खरीदे बैठे हो, अब गोभी वापस लौटाओगे? पहले सोच लो, यहाँ खटपट मत करो, निकलो। आदमी विवेकवान होना चाहिए, बीच में खड़बड़ा होता है। अरे कोई विशेष व्यक्ति आ जाएगा, बैठेगा यहाँ, हाँ किसी की कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए व्यवस्था है।
अब जिसके कहीं दर्द नहीं वो बैठ जाएगा, जब उठ के जाएगा तो दर्द पैदा कर दूंगा फिर और जिसके दर्द है वो बैठेगा तो उसकी दर्द खत्म भी कर दूंगा, आशीर्वाद दे दूंगा। अल्लाह कह रहा था। तो भगवान श्री राम ने क्या देखा, अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थियों के ढेर देखा रघुराया ने। देखा मुनि लागी ओर दाया, देखा मुनि अस्थियों का ढेर देखा, फिर ऋषि मुनियों को देखा तो मन में दया लग गई। क्या है ये, ऋषि मुनि सब आंखों में आंसू भर कर खड़े थे। याद रखना हर व्यक्ति को आसरा होता है कि मेरा दुख कौन दूर करेगा। अस्थि समूह देखी रघुराया, देखा मुनि लागी ओर दाया, देखा मुनि गाइए अलीगढ़ वाले साहब दाया, नाम भी बताइए। ये देखिए अलीगढ़ वालों का नाम सुनो, बताओ बताओ। सतीश चंद्र कश्यप गोल गप्पे वाले, ऐसे तो गप्पे वाले सभी हैं, गप्प मारते ही रहते हैं, पर ये वो गप्पे वाले हैं गोल गप्पा खिलाते हैं। हम लोग तो खाली गप्पा मार देते हैं, गप्पा बैठो बैठो। देखा मुनि लागे वृद्धाया, किसी के दुख को देख करके यदि तुमको दया लग जाती है तो समझ लेना ये भगवान श्री राम का गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहा है। दुखियारों को देख करके आपका मन द्रवित हो जाए, आपको दया लग जाए, ये राम का गुण है, ये राम का लक्षण है, ये भगवत गुण है। देखा मुनि लागे ओर दाया, अस्थि समूह देखी रघुराया। भगवान राम राजा राम के नाम से भी जाने जाते हैं। राजा राम का मतलब होता है जो राजनीति करे वही तो राजा है, और राजनीति करना गुनाह नहीं, प्रजा का पालन करना बड़े पुण्य का काम है। कोई भी हो, जैसे हमारे भक्त शैलेंद्र सिंह राजनीति भी करते हैं, जो जिला पंचायत क्या है सदस्य पहले थे, पूर्व पार्षद थे, वो कोई सदस्य बोल दिया कोई बात नहीं, बढ़ा के बोला है तो बढ़ी जाएगा कहीं ना कहीं, हाँ अगली बार हो ही जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाए तो और अच्छा, अरे देवरी रुखारा धन्य हो जाए, बढ़िया बात। मैं तो सोचता हूँ हमारे सभी भक्त धनवान हों, महान हों, गुणवान हों, राजनीति में भी आगे बढ़े, बिजनेस में आगे बढ़े, खेती बाड़ी में आगे बढ़े, सब तरह से उन्नतशील हो, कोई गरीब कंगाल ना हो, सब माला माल हो, चाहे माल से आए हो चाहे कमालपुर से आए हो, लेकिन माला माल जरूर हो, सब सुखी रहे, संपन्न रहे, क्योंकि गरीबी में भक्ति में थोड़ा कठिनाई आती है, जैसे सुदामा को आ रही थी कठिनाई। शिवरी का दिल तो बहुत था कि प्रभु को गुलाब जामुन खिलाऊं, लेकिन गुलाब जामुन तो अलग है, कटोरी ही नहीं वहां, पत्ता के दोना में, बोलो सौरभ मिश्रा जी, पत्ता के दोना में बेर दे दिया, लेकिन भगवान भी गुरुदेव भी देखते हैं हमारा भक्त किस कंडीशन का है। वे जहां जैसा भक्त है वैसा ही नाश्ता कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जब हड्डियों का ढेर राम ने देखा,
राम का मन दुखी हो गया। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्य परस्त्रिया, संसारे यस्मिन सह विज्ञेया साक्षात् देव हरि स्वयं। पदुम पुराण का ऋषि कहता है, दूसरे के दुख को देखकर जो द्रवित हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर जो प्रसन्न हो जाए। बात को समझना, किसी का सुख देखकर खुश होना बहुत कठिन है, दूसरे का सुख देखकर बढ़ता हुआ नाम देख करके, बनता हुआ मकान देख करके, विकास देख करके ज्यादातर लोगों के सीने पे सांप लौट जाते हैं, बहुत दुख हो जाता है। ये दुख नहीं है कि मेरे पास मकान नहीं, ये दुख जरूर है कि पड़ोसी के पास मकान क्यों है, इसके पास भी ना होता ये मेरे से ज्यादा ताना नाना होता तो अच्छा था। ताना नाना हम भाई, ताना नाना तुम, नाश गए हम भाई, सत्ता नाश जाओ तुम, तो खुश है। ये बच धन्य हो शिव कुमार सिंह राजा जी पुरम, महान श्रद्धा है आपकी, जय बोलना चाहिए। शिव कुमार सिंह ने जय बोला, पहले दया शंकर वर्मा जी ने जय बोला था बरेली वालों ने, अब दो जय हो गई, चालू हुई है अब तीसरी भी आए, चौथी आए, आती रहे, बीच बीच आधा मिनट का हमें रेस्ट भी मिल जाता है। इंजन गर्मा जा तो घर बंद कर दो थोड़ी देर, फिर स्टार्ट करें तो गुरुदेव थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। अस्थि समूह देखी रघुराया, देखा मुनि लागी उर दाया, देखा मुनि ऋषि मुनि। एक समय वो था त्रेता युग में, ऋषि मुनि बहुत दुखाए जाते थे, द्वापर में भी दुखाए जाते थे, कलयुग में साधु संत को दुख नहीं इतना है, आहा बहुत आराम है। मैं तो सोचता हूँ कलयुग ही रहे, दूसरे युग आए ही ना, इसमें अच्छा है, जहां जाओ वहां गुलाब जामुन खाओ, लफड़ा खत्म सब। हाँ ये युग अच्छा है, मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ। कलयुग में गड़बड़ क्या है, कुछ नहीं। लोग कहते हैं कलयुग है, कलिकाल है, ये है वो है, कुछ नहीं, तो बहुत अच्छा युग है। जितने समझदार लोग कलयुग में हैं, इतने समझदार सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं थे लोग। उठाकर देख लीजिए इतिहास पूरा, अब बहुत समझदार लोग, और जितना सत्संग भागवत कथा सब हो रहा है अभी, उतना पहले बहुत कम होता था। बहुत है धर्म, बहुत है पूजा पाठ भी है, मंदिर भी बहुत मंदिर बन रहे हैं, कोई कमी नहीं है, ऐसे एक से एक मंदिर है, गांव में भी मंदिर बन रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि घर घर में मंदिर अगर हुए हैं तो कलयुग में ही हुए हैं, घर घर में मंदिर है। और घर घर के मंदिर में दो चार पांच देवी देवता तो बैठे ही हैं, ऐसे हिंदू धर्म बड़ा सौभाग्यशाली धर्म है। 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवी देवता, इतना किसी धर्म में नहीं है, हम लोगों के हिस्से में बहुत है देवी देवता। और हिंदुस्तान में आपकी संख्या कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 130 करोड़ है, तो एक एक देवता चार चार आदमी पर ड्यूटी लगी है, हिस्से में आ जाएगा उतना, हाँ 33 करोड़। तो दो चार देवी देवता का फोटो तो रख ही लेना चाहिए, फोटो रख लो, छोटी मूर्ति रख लो, लड्डू गोपाल की, जो श्रद्धा हो जहाँ तुम्हारी, गुरु महाराज की भी तस्वीर रख लो उसी में छोटी सी,
सब देवताओं के साथ में गुरु महाराज भी विराजे हैं। देवता भी खुश हो जाएंगे कि वही गुरु है जो हमारे प्रति प्रेम बढ़ाता है समाज का। और पूजा भी रोज सुबह शाम करो, रोज न गुरु मिलेंगे और न बड़े मंदिर में जाने का टाइम मिलेगा। तो अपने घर में मंदिर बनाओ, धीरे धीरे पूरा घर ही मंदिर हो जाए और देवी देवताओं की पूजा करते करते धीरे धीरे नारियां स्वयं देवी बन जाएं, पुरुष स्वयं देवता बन जाएं और धीरे धीरे आपके अंदर देवी देवता के लक्षण आ जाएं, गुण आ जाएं, तो आपके घर में मंदिर नहीं, फिर तो घर ही मंदिर हो गया, पूरा घर मंदिर है। ऐसा करना। हर नारी में नारायणी बनने की शक्ति छिपी हुई है, हर नर में नारायण बनने की शक्ति छिपी है। आप चाहे जिस भगवान को देखिए, शंकर भगवान हैं, उनका चेहरा नर जैसा है कि नहीं? पार्वती जी हैं, उनका चेहरा नारी जैसा है कि नहीं? सीता जी हैं, उनका चेहरा नारी जैसा है? और सुपर्णखा का चेहरा भी नारी जैसा है? चेहरा तो दोनों का, दोनों नारी है तो नारी जैसा क्या, वैसा तो होगा ही जब नारी है। लेकिन नारी नारी में फर्क है। सीता उस नारी का नाम है जिसने संयम नियम की तपस्या करके, एक पति व्रत का पालन करके अपने भीतर नारायणी का रूप प्रकट कर लिया था। और सुपर्णखा उसका नाम है जिसने मन को चंचल बना करके, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, सब उल्लंघन करके, नाक कटवा करके नारी से नरक बना दिया था उसने। जय, बहुत अच्छा है। अब की कौन जय बोला? खड़े हो जाओ। हाँ बस ठीक। क्या नाम है? राम जी, राम किशन, ठीक राम जी, चलो ठीक है। अरे राम के आगे चाहे जी लगाओ चाहे किशन लगाओ, राम मिल गया बस हो गया काम से। धन्य हो राम जी भाई, जय राम जी। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। मैं नर से नर ही रहे, और नर से नर रह जाए तो भी बहुत बुरा नहीं, कम से कम नर से राक्षस तो नहीं बना। नारी अगर नारी ही रह गई तो भी कोई खतरा नहीं, कम से कम राक्षसिन तो नहीं बनी, निशाचरी नहीं। एक ट्राली पर पीछे लिखा हुआ था छत्तीसगढ़ में कि आदमी के बारे में लिखा था, मनुष्य देवता ना बन सका इस बात की कोई गम नहीं, ट्राली में लिखा था। मेरी पीछे गाड़ी चल रही, पढ़ा याद कर लिया, हमारे काम की चीज यहाँ पेश कर दिया, हम इसे ढूंढ लाते हैं सब। मनुष्य देवता नहीं बन पाया, कोई नारी देवी नहीं बन पाई तो इस बात की कोई गम नहीं, लेकिन कम से कम नर नारी राक्षस नहीं बने ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। जय 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 जय। धन्य हो, धन्य हो।